सतगुरु मार पर दे ठोकर ला दे पार कनारे नो ला दे पार कनारे नो सतगुरु मार पर दे ठोकर ला दे पार कनारे नो ला दे पार कनारे नो सतगुरु मार सतगुरु मार पर दे ठोकर ला दे पार कनारे नो ला दे पार कनारे नो सतगुरु मार पर ला दे पार कनारे नो ला दे पार कनारे नो सतगुरु मार
पारक नारे मूला दे पारक नारे सतगुरु मार मन दिया बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले मन दिया बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले संग संग ले नमः
जगत गुरु बब गरीब दास महाराज जी दी अमृतमयी गुरबाणी धन धन सतगुरु ब्रह्म सागर भोरे वाले महाराज जीओ धन धन सतगुरु लालदास महाराज जीओ धन धन सतगुरु गंगानंद महाराज जीओ संत मंडल सतगुरां दी परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु स्वरूप साध संगत जीओ परसों रोज तो नगर संदनौली कुटिया विखे परसों रोज तो जगत गुरु बाबा गरीब दास महाराज जी दी अमृतमयी गुरबाणी दे अखंड प्रवाह अवग रहे सन। अज तीसरे दिन गुरबाणी दे अखंड जापां दी पूरन आहुती कीती गई है। परसों भी आप जी ने सत्संग कीर्तन विचारां सरवण कीतियां। कल भी आप जी ने अपने जीवन दियां घड़ियां नूं सफल कीता। आओ जगत गुरु बाबा गरीब दास महाराज जी दा कथन है तहाना पढ़िए। दास तहाना पढ़ेगा। दूसरे हिस्से वे जत्था प्रेमी सज्जन तीसरे हिस्से दे विच बीबियां भैणां मातावां ने प्रेम दा सबूत देना है। संत सरोवर हंस है पक्षन करे तार। संत सरोवर हंस है पक्षन करे विचार। संत सरोवर हंस है पक्षन करे। संत सरोवर हंस है पक्षन करे विचार। Thank you.
जगत गुरु बाबा गरीब दास महाराज जी दा कतन है। गरीब संत सरोवर हंस हैं भक्षण करें विचार, पोप बाशना ज्यों रहे राई रिंच न पार। कतन कीता गया है कि संतां दा सत्संग कैसा मन्या गया है, जिस प्रकार सरोवर होवे, सरोवर होवे सत्संग नूं की मन्या गया है, सरोवर मन्या गया है। सरोवर दे विच इशनान करन तों उपरंत शरीर दी जितनी मैल है, समुची मैल शरीर दी सहज ही लै जांदी है। अगर कोई सरोवर दे विच इशनान करदा है, अगर सरोवर दे विच कोई इशनान करे, अगर इशनान ना कीता तुर फिर के चले गए, तां जिहो जै आए जिहो जै ना आए, अन आया पिया, ज्यों रता संसार ते आए जिहो जै ना आए, ना आया दे बराबर है जमहू रता संसार। असीं संसार दीआं गल्लां दे विच रत गए। जगत गुरु बाबा गरीब दास जी कथन करदे हन गुरबाणी दे अंदर, कथन करदे हन। आओ प्रेम दे नाल धारना पढ़ी। दिल ही अंदर देवरा जी, दिल ही अंदर देवरा, दिल ही अंदर देवरा, दिल ही अंदर देवरा, दिल ही जगत गुरु बाबा गरीब दास महाराज दा कतन है। आगमनदीप की दियो रही, आगमनदीप की दियो रही, दिल दे अंदर ही दसी है ही दिल के माहें, सो है दिल के माहें। आगमनदीप की दियो रही, सो है दिल ही माहें। बाहर भरम कर्म लगे, रहो समाधान की छाहें। कथन कीता गया है ए प्राणी ए जीव ए बंदे ए संसार दे लोगो,
ਉਹ ਜੋ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓਰਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਸੀਤ ਕਹਿ ਲਵੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਕਰਮ ਨਾ ਭਰਮ ਨਾ ਛਾੜ ਦੇ ਬਾਬਰੇ ਰੇ ਐ ਬਾਬਰੇ ਐ ਪਗਲੇ ਬੰਦੇ ਐ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਕਰਮ ਨਾ ਭਰਮ ਨਾ ਛਾੜ ਦੇ ਬਾਬਰੇ ਰੇ ਐ ਬਾਬਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਮ ਭਰਮ ਭਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾ ਡੋਲ ਬੰਬੂਲ ਡਾਲੀ ਪਾਨੋ ਡੋਲ ਤੇ ਪਰਸਤ ਨਾਹੀਂ ਮੂਲ ਇੱਕ ਮੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਹੈ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਗਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿਨਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਸ਼ਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਅਸੀਮ ਜੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਹਰ ਭਰਮ ਬਾਹਰ ਕਰਮ ਭਰਮ ਬਾਹਰ ਭਰਮ ਕਰਮ ਭਰਮ ਭਾਰੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਚਾਹੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾ ਸਮ ਅਧਾਨ ਸਮਿਅਕ ਮੈਨੇ ਅਧਾਨ ਕਿਆ ਅਰਥ ਹੈ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਇਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਚੁੰਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿ ਪਾਉਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦਾਸ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਜ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਈ
भाई कर ले सच्चा है बानिया भाई कूड़े नू तोहारे बार जी महारे सच्चा है बानिया भाई बानिया भाई पूरे नू बहारे बार को सच्चा है बानिया भाई पूरे नू बहाइए बार सच्चा पानिया सच्ची हाट चलावा सर चारू दे कर दूर बहावा कबीर साहब जी का कथन है कबीर जे तू सच्चा पानिया सच्ची हाट चलाव अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाव सच्ची दुकान अज दुनिया दे कोने कोने विच श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे सच्चे सौदे नू याद कीता जांदा है सच्चा सौदा करांगे इस मन नू किथे लगाउणा है अज ही दाह दे पास हर रोज़ संतां महापुरखां दे नाल मिलाप हुंदा है। कल ही प्रकिरति दी गल हो रही सी संतां महापुरखां ने फोन कीता आप जी दे नाल कल विचार कीते गए सन ते बंदा क्या है शरीर नूं ही सत मन बैठदा है एक प्रकिरति है अठ अंग प्रकिरति दे हन गरीबदास जी कथन करदे हन आठ भाग आठ अंग माया की भाई अष्टंगी माया कहलाई आठ अंग माया के जी आठ अंग माया के जी आठ अंग माया के है 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 आठ अंग माया के आठ अंग माया के है आठ अंग माया के है आठ अंग माया के है
अंग माया के पाई अहटंगी माया कहलाई। ए जगत गुरु बाबा गरीब दास महाराज जी कथन करते हैं, ऐ प्राणी ऐ बंदे ऐ संसार दे लोगो, माया दे अठ अंग दसे गए हैं, इस करके माया नू अष्टंगी कहा गया है। सद ग्रंथा अंदर भी अठ अंगी ही माया कहा गया है। कथन किया गया है कि आ शरीर किसदा है, ये शरीर जिसनू अपना मानते हो ग्रंथकारा ने बंदे नू की मन्या है, चोर मन्या है। ये शरीर प्रकृति दा है, इसनू प्रकृति दा मन्या गया है। ये प्रकृति दे क्या क्या वस्तुआं हन, पृथ्वी तत्व प्रकृति दा है, जल तत्व है, अगन तत्व है, पवन तत्व है, गगन तत्व है, साडा मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हन, ये प्रकृति दे मन्ने गए हन। असी कितनी वरतों कर रहे हैं, धरती की वरतों कर रहे हैं, ये क्या तेरी है? ते इतों पहला ये धरती नहीं होवेगी जिहदी मेर कर रहा है। जी मेर करदा है ये कि मेरी है, ये धरती मेरी है, ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है। ये मां कथन किया गया है कि माया तेर मेर नू ही माया कहा गया है। तेर मेर नू माया कहा गया, मेर तेरी माया, मेर तेर की जेबड़ी, बल बंदिया संसार, मेर और तेर दी रस्सी दे नाल सारा संसार बनिया होया है। इस देर तो बाहर नहीं है, आवाजू की वरतों करते हो ते ये क्या आपने बनाई है, ये की विज्ञान ने बनाई है, ये क्या बंदे ने बनाई है, ये कौन बनाउंदा है, ये क्या है प्रकृति दी, प्रकृति दे हन ये गुण, प्रकृति दे अंतर्गत पृथ्वी तत्व जल तत्व की वरतों करते हाँ, जल तत्व की वरतों करते हाँ, तो इसकी वरतों करते हाँ, वाजू की वरतों करते हाँ, तो सूरज है प्रकाश दिता है इसकी वरतों करते हाँ, आकाश के थले असी चलते हाँ, जितना भी ये स्पेस है, ये जगह है, खाली जगह है, जिथे भी नज़र आती है वह आकाश तत्व है। असी इस वस्तु की वरतों दिन रात करते हाँ, इस करके बंदे नू की मन्या गया है, बंदे नू मन्या गया है चोर, ये बंदा चोर है। ये प्रकृति है, ज्यों ज्यों जीव प्रकृति दी क्या यात्रा करता है, प्रकृति विच वाधा करता जा रहा है, ते तरक्की करता जा रहा है, त्यों त्यों जीव दे अंदर विकृति आ रही है, मैंने बिगाड़ आ रहा है। एक नहीं अनेक ही जीव दे अंदर अवगुण हैं, अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार के दोष जीव दे अंदर आ रहे हैं। देखो माता दे गर्भ की चर्चा कल भी गल चली सी, सात धातुओं का पिंजर है, गरीब दा जी कथन करते हैं चार, तीन धातु है पिता की, चार धातु है, तीन धातु है पिता की, चार धातु है माए। आओ प्रेम दिना धारना पढ़ी। तीन धातु है पिता की, चार धातु है माए, है पिता की, चार धातु है माए, Thank you.
चार तू है माए प्यारे, चार तू है माए तू है पिताजी, चार तू है तीन तू है पिताजी, चार तू है माँ है पिताजी, चार तू है माए तीन तू है पिताजी, चार तू है माए। जगत गुरु बाबा गरीब दास महाराज जी दा कतन है, गरीब तीन धातु है पिता की, चार धातु है माए, शिष्य स्वामी सा एक होए, हंसा पहुँचे ठा है। ये शरीर क्या है? प्रकृति दा है, ये प्रकृति दा शरीर है। बच्चा ज्यों ज्यों वादा है, किमें रचना की गई है ग्रंथकार ने, खोल के जीव का जो शरीर है इहदी बनतर बनती है। इसनू अकले नू क्या शरीर नू, हड क्या पानी, हड नाड़िया भी नहीं मनना चाहिदा। इसनू खेत मनिया है, मन हाली करसाणी करनी। इसनू खेत मनिया गया है, ये खेत है क्या? खेती करनी है, ये खेती करनी है। खेती जीव कर रहा है पर बहुत घट जड़े खेती की संभाल करते हैं। कबीर खेत किसान का, मिर्गों खाया झाड़, खेत बेचारा क्या करे जो खसम न करें बाड़। कबीर साहब जी का कथन है, ये खेत है, खेत गया ते जिहड़ा इसनू जानन वाला है, इसनू जानन वाला है। कृष्ण भगवान जी कथन करते हैं, हे अर्जन इंद्रियां हन, इंद्रियां मन नू नहीं जान सकदियां। मन इंद्रियां नू जानदा है, मन बुद्धि नू नहीं जान सकदा। बुद्धि मन नू जानदी है, बुद्धि जानदी है मन नू। असीं निर्णय लैंदे हाँ, असीं निर्णा लवांगे ते निर्णा कई बारी गलत निर्णा भी लै लैंदे आ। ते बुद्धि क्या? मन नू जानदी है, मन बुद्धि नू नहीं जान सकता। इस तरह आत्मा बुद्धि नू जानदी है, बुद्धि आत्मा नू नहीं जान सकती। आप जी ने सरबन कीता है, आगम दीप का आगम दीप के देहो देहोरी दिल घट ए सो है दिल ही माहे। ये वो देहोरी क्या है? जिहदे विच परमात्मा बैठा है। गुरु नानक देव जी कथन करते हैं, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे गब च बास। ये संसार सच्चे की कोठड़ी है, इस दे विच सच्चा आत्मा कह लवो, परमात्मा कह लो। तो ये वड्डी कोठड़ी है, वड्डा घर है, साढ़े छोटे छोटे कोठड़ियाँ घर हैं, ये घर हैं। देखो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या है? प्रकृति। गरीब दादी गुरबाणी नूं पढ़िए, कथन किया गया है, मूला हमनी हमरी माई। मूल क्या है? मूल क्या है? मूल तो यात्रा करदी करदी ये प्रकृति अस्थूल हो गई। जिमें माता दे गर्भ दे विच क्या, किमें माता दे गर्भ दे विच जीव दी बंतर बाबत ग्रंथकार ने दस्या है। गरीब दादी कथन करदे हन, गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया, जीव अंदर बहुत अंदेशता बाहर विसरिया पीब, बाहर विसरिया पीब। आप पढ़ते हो कल भी शायद विचार किया होवे, कथन किया गया है, गुरबाणी अंदर लिप छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। लिप छुड़की जीव दी बंतर भाव दस्या गया है, किमें है? एक बूंद है, एक बूंद का सकल पसारा क्या हिंदू क्या तुरका। कोई भी क्यों न होवे
एक बूंद का पसारा है। पता नहीं माता जी गर्भ दे विच जिस टाइम ते संबंध हुंदा है स्त्री पुरख का, क्या लखां की गिणती दे विच बीजाणु शुकराणु प्रवेश हुंदे हन। उन्हां दे विचों भागां वाला एक ही क्या शरीर बनता है, की बनता है। यैत राम जी ने कथन किया है सत धातुआं बावत, क्या सत केड़ियां धातुआं हन, क्या सत धातुआं चार धातुआं माता दियां मनियां गईआं हन। लहू ये माता दा है, मास ये माता दा मनिया गया है, ते मास लहू चमड़ी अते साडे अंदर नाड़ियां हन, ये चार धातुआं बनदियां हन, ये देन है माता दी। ते तीन धातुआं क्या तीन धातुआं बाबत जैत राम जी ने चानना पाया है, मेद हड्डियां शुक्र जिन्हों वीरिया कहिंदे हन। ये सत्तां धातुआं दा क्या है, ये पिंजर है सत्तां धातुआं दा। ये कबीर साहिब जी ने कथन किया है, इनू अपना मनी जा रहे हैं। ये तुहाडे नाल दास विचार सांझे करेगा, घट घट में हर जू बसे। संत ने कहो है, हाँ संत ने विचार किया है, घट घट में हर जू बसे, घट घट दे विच बसदा है। तो बंदा मुरदा बन जाता है कि उहदे विच भी परमात्मा बसदा हुंदा, जिवें साडे च परमात्मा बसदा है कि मुरदे च हुंदा वा, घट घट च तां बसदा है, सर्व व्यापी है, जड़ विच भी चेतन विच भी, क्या मुरदे विच भी होवेगा? मैं तुहाडे नाल सवाल करदा हाँ, दसो तां होवेगा? नाले गुरबाणी कहिंदे घट घट दे विच जड़ चेतन सर्व व्यापी है, हर जगह विराजमान है, फिर उहदे विच क्यों नहीं है? लिब छुड़की लगी तशना, लिब भगवान दे नाल लगी तशना, जन्म लैंदा है तां तुरंत ही बच्चा रोंदा है, तुरंत ही बच्चा रोंदा है, ते मरदा है। मन बाबत भी दस्या गया कि साडे नेत्रां दे विच इक पाणी है, नेत्रां विच पाणी, ते कई बारी डॉक्टर कह देने भी तेरा पाणी नेत्रां दे विच पाणी मुक गया। वह आम डॉक्टर जिहड़ा है उहदा इलाज नहीं कर सकता। तो हिरदे विच है लगभग जां ढाई तुपके जां साढ़े तीन तुपके अमृत दे हन। इस करके जदों बंदा मन लगता है जां अंतम समा है, पाणी 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 करता है, वह कंठ साडा सुक जांदा वा। खैर कथन किया गया है, लिब छुड़की लगी तिशना, त्रिखा त्रिश त्रिशा, त्रिख मैंने प्यास भी इन त्रिखा लगी हुई है, पंजाबी त्रिखा कह दें, त्रिखा आप हिंदी संस्कृत त्रिशा कह दें, मैंने त्रिशना त्रिशा प्यास, प्यास लग जाती है, प्यास लगती है, तो प्यास लगती है ज्यों ज्यों वड्डा हुंदा है त्यों त्यों प्यास बढ़ जाती है, त्यों त्यों प्यास बढ़ती है, त्यों त्यों दी प्यास नहीं बुझेगी, वो तृप्त नहीं होवेगा, तृप्त नहीं हो सकता, ना तृप्त होया ना तृप्त होवेगा, तो उहदी तृष्णा बढ़ती जा रही है। आसा तृष्णा नदी में डूबे तीनों लोग, सारा संसार इहदे विच ही तृष्णा ते आसा दे, आसा तृष्णा दी नदी दे विच तीनों लोग डुब चुके हन। इस करके माता दे गर्भ दे विच एक जिहड़ा क्या है, एक शुकराणु एक बीज, उहदे च करोड़ लखां दी गिणती विच हुंदा भागां वाला एक ही आ शरीर बनदा है, जन्म लैंदा है लखां दी गिणती दे विच। उहनां दे विचों भी उह गुरु नानक दे लखां दी गिणती कीती है, अरबों में खोखा पुरके काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। अरबों में जी
हंस हमारा हंस हमारा भाई अरब में जी हंस हमारा हंस हमारा अरब में जी हंस हमारा हंस हमारा अरब में जी हंस हमारा हंस हमारा हंस हमारा हंस हमारा अरब में जी हंस हमारा हंस हमारा हंस हमारा हंस हमारा हंस हमारा हंस हमारा कथन कीता गया है खोखा पुर के काग मिले दिन दोई रे अरबों में कोई हंस हमारा होई रे अरबां दे विच ही कीड़े तलते असी खड़े हाँ असी तलते खड़े हाँ प्रकृति दे तलते खड़े हाँ पिछे भी दास बोल के आया है अज भी तुहाडे नाल दास विचार सांझे करेगा एक पासे तां है प्रकृति दूसरे पासे है परमात्मा मैं तुहाडे नाल विचार सांझे करदा हाँ प्रकृति अते परमात्मा प्रकृति है दूसरे पासे परमात्मा ते गब्बे एक पुल बनिया होया है हुण विचार कर लईए कोई व्यागती पुल बन जांदा है पुल दे दरम्यान घर पावेगा पुल दे दरम्यान गब्बे घर पावेगा कि नहीं पावेगा हैं प्रकृति अते परमात्मा दी चर्चा चल रही है जिवें पुल बन जांदा है पुल दा एक दूसरा पासा है एक उरला पासा है ते पुल उरले पासे भी घर पा सकता है कोई पुल तो पार भी पा सकता है बार बार भी पा सकता बार ते भी पार ते भी पा सकता तुसी घर कित्थे पावोगे दरम्यान पावोगे पुल दे के उरां जां परां कोई भी है उसने घर जां पार पावेगा जां बार ते पावेगा उरां पावेगा गब्बे कोई घर नहीं पावेगा इसी तरह एक प्रकृति का उरला पासा है एक प्रकृति तो उपर परमात्मा का पासा है तो जीव प्रकृति दे विच रहिंदा है प्रकृति दे दायरे विच यात्रा करदा करदा बहरंग यात्रा करदा करदा तो बहरंगा जी मेरे नाल साडे वैद शिव कुमार जी ते कल आए सन किया जीवन जी आचारिया जी जीवन जी आए सन ये विचार करते सन कुंडलिनी की शिव शक्ति की चर्चा गुरु ग्रंथ साहिब भी की गई है श्लोक चल रहे थे शिव शक्ति जो कौन जो वे पछम दिशा उठे धूड़ जल में सिंह जो घर करे मछली चढ़े खंजूर गरीबदास की गुरबाणी बच्च शिव शक्ति जो कौन जो वे शिव शक्त उपायक है गुरु ग्रंथ साहिब भी आता है शिव शक्ति दो बनाते पुरख ते अते प्रकृति पुरख अते प्रकृति वो साड़ी जिहड़ी शक्ति सुत्ती पई है
सुती पई है शक्ति क्यों नहीं जागदी, की कारण है इस करके नहीं जागदी। साडे पास पंज ज्ञान इंद्रियां हन, पंज ज्ञान इंद्रियां आसी देखदे हाँ, देखदे देखदे कबीर साहब जी कथन करे दो दे लोचन पेखा हो हरबन आओ ना देखा भी मेरे पास नेत्र ने मेरे ते प्रकृति का बुरा प्रभाव ना पवे, ये दुनिया का रंग रूप का दुरा बुरा प्रभाव ना पवे। अपने तोतापुरी जी होए हन धन धन सतगुरु स्वामी गंगानंद महाराज जी का एक कथन है कि तोतापुरी जी अहमदगढ़ ते बाजार दे विच बैठे सन, बाजार दे विच बैठे हन एक माता अते बेटी, वो दोनों शहर गई ते तोतापुरी जी बड़े फक्कर सन, अल्फ नंगे रेंदे सन, अल्फ नंगे सिद्ध पुरख सन, ते उन्होंने वो कुड़ी वल देखण लग पे, एक टक ला के देखण लग पे, देखण लग पे ते वो माई ने देखा भी मेरी कुड़ी वल नहीं देखी जा रहे ने, उसने बुरा भला बोलिया, कहन लगे माई गल की, कहन लगे मेरी बेटी वल देख रहे हो, कहन लगे किने देखे अख ने देखे, कहन लगे हाँ, उन्हें डक्का चुके अख च मार मारे, कहते आ अख ने देखा, वो कहते महाराज किसी ने कहता भी तो रब रूप हैं, तो श्री गुरु नानक देव जी ने इसे कहा, वो कहन लगे मैं ये नहीं देख रहा, मैं तो भगवान की सुंदरता देख रहा हाँ, इन सुंदर शरीर को किसने बनाया है, जिदों हुण असीं ब्याह शादी में जां किसी खुशी दे विच जां आम सुंदर बनाउने शरीर नूं कि भगवान ने जिहड़ी सुंदरता दित्ती उह ते विश्वास नहीं गा, उहनूं बना रहे हैं लिपण पोचन कर रहे हैं कि लिपण पोचन दे नाल कोई साडा लाभ हो जाएगा, इउं कथन किया गया। उहनूं भुल गई नमाणी जिंदे मेरिए जिन्हें तेरा रूप साजिया, भुल गई मेरिए जिने तेरा रूप साजिया, नीन माने जिंदे मेरिए जिने तेरा रूप साजिया, नीन माने जिंदे मेरिए जिने तेरा रूप साजिया। ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ, ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਰ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸਾਜਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਮਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸਾਜਿਆ, ਸਾਜਿਆ
कर सा कर्म के बीजा अब तू भूलिया बंदगी अब तू बंदगी पानी की जल बूंद से पानी की जल बूंद से पंडित बढ़िया बढ़िया तारा मोला तुही तुही तुतकार गरीब तुही तुही तुतकार थी उधर गर्भ के बीच यतन कीता गया है तुही तुही रौला न पौन लग जावो रौला पा रहे असि भी ये शब्द बड़ा है माता दे घर बच्चे केड़े किने शब्द दिता था बस तू ही तू ही तू ही तू ही बस यही शब्द था तू ही ते बाहर आके बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप 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 दे अर्थ कई बारी सुन गए पाप दा अर्थ क्या है पा 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 मैंने पा पा मैंने परे हो जाना दूसरे पा दा रक्षक जीने माता दे उदर दे विच भी हर प्रकार दी रक्षा कीती ते बाहर आके भुल गया उंज तां माता दे गर्भ दे विच ज्यों ज्यों गर्भ वधदा है क्या अंग बणदे हन ते खून है क्या है खून है मास है ये नाड़ियाँ हैं त्वचा है आ चमड़ी है ये चार तातां माता दियाँ ने तीन तातां जिहड़ियां हैं वो पिता दियाँ हैं हड्डियाँ मेद मेद हड्डियाँ अते शुक्र जिन्हों वीर कहिंदे ने वीरज ये तीन तातुआं पिता दियाँ हैं ज़्यादा वड्डा जिहड़ा योग है वड्डा बड़ा योगदान है माता का मैंने 99% माता की बड़ी देन है फिर शरीर है की है ये शरीर क्या है ये शरीर दास दे कई बारी बोलिया होगा कई बारी बोलिया होगा कि गरीब का जी कथन करते हैं गुरबाणी अंदर कथन करते हैं काम क्रोध बाबत कामी काम नू की दसिया है कि कामी जिहड़ा बंदा है कूप मैंने जो कामना हुंदी है तो समझ लो वह खूह दे विच अज्ञान दे अविद्या दे खूह विच चलिया गया उंज इह जवान है जिब्बा है कबीर साहब जी दे शलोक चल रहे सन मैं दास सुनदा कबीर जिब्बिया स्वाद 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 सै
कूपन मेले काम, अंग विद्या उपजे जय हृदय से राम। कबीर जिभ्या सवाद से नाना प्रकार दे ये पदार्थ असी खाते हाँ स्वादिष्ट। जिब जिभ्या सवाद से उस टाइम ते भुल जाना अज ही विचार चल रही बैर शिव कुमार जी दे नाल भी तेज तत्व जिहड़ा है मंत्रां दी गल चल रही सी। मंत्रां दी एक कखर दी रम 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 ये क्या है तेज प्रकाश बुझाउणा है अपना तो रम रम जिहड़ा मंत्र जाप करना चाहिए। हिरदे की बीमारी है यम जम 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 ये बीज मंत्र ने ये बीज अखर ने ये अलग अलग ये अर्थ हैं। तो रोग होवे किसी नूं बीमारी ठीक करनी होवे वह किहड़े अखर का जाप करना है ये अलग अलग इहदी विशेषता है। खैर इस विषय ते दस चानना नहीं पावेगा। कबीर जिभ्या सवाद सै कूपन मेले काम, अंग विद्या उपजे जाए हिरदे से राम। उहदे हिरदे विच राम नाम नहीं वह जपेगा ते उहदे प्रकार दे अंदर क्या नाना प्रकार की कामना कामे सो कूपम ते जिहड़ा क्रोध है क्रोध क्या है फिर बंदे नूं क्या कमला कर दिंदा है। लोभी सो लारंग टिक दे ना तलुआ ते जिहड़ा लोभी व्यक्ति है उहदे क्या है पैर नहीं लगणगे धरती ते। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कुत्ता जिवें हड़क जांदा है ऐसी अवस्था दसी गई है ज्यों कुत्ता हड़काया कुकर जां कुत्ता लिखिया होवेगा जिवें कुत्ता हड़क जांदा वा ते हड़के कुत्ते दी की निशानी है हड़के हुए कुत्ते दी निशानी की है हैं निशानी क्या है जिवें आपां कहिंदे वी तां कुत्ते दी पूंछ आ बंदे नूं कहिंदे कुत्ते दी पूंछ हैं जे कुत्ते दे पूंछ ना होवे की कहांगे कि जे कुत्ते दे पूंछ ना कुत्ता कहा ही नहीं जाऊगा पूंछ करके तो कुत्ता कहा जाता इस करके कुत्ते दी पूंछ बंदे नूं किसे नूं कहो ना ये कहना चाहिए। उनका गरीबदान ने कथन किया है गुरबाणी अंदर हैं द्वादश वर्ष नाली दे विच किया ना अपने नाल दे बांह दी नाल दे विच कुत्ते दी पूंछ पा दित्ती 12 साल उहदे फिर बिंगी दी बिंगी आपां कहिंदे आ वी बिंगे दा बिंगे ही रहा इतनी तू गुरबाणी पढ़ता रहा इतना सत्संग करता रहा नज़र बदल गई नज़ारे बदल गए किश्ती बदल गई किनारे बदल गए शुरू किया था ये साड़ी दृष्टि में कोई फर्क पिया साड़े देखण में फर्क पिया साड़े सुनण में फर्क पिया साड़े खाने में फर्क पिया। कल ही आप जी ने सरवण किया था जां परसों ते फकीर नूं दो दिन रोटी नसीब ना होई दो दिन तीसरे दिन रोटी नसीब हुई नारद मुनि जी आए ते हाथ धोण लई गया कुए ते रोटी नूं कुत्ता उठा के लै गया ते फिर महापुरख का जीवन कैसा है यूं कथन किया गया माते दवाने ने नाम दियां चढ़ियां लोरा मत दे माने ने नाम दियां चढ़ियां लोरा मत दे माने ने नाम दियां चढ़ियां लोरा मत दे माने ने
दिया चढ़िया लोरा बाने ने दबाने ने दिया चढ़िया लोरा राम दिया चढ़िया लोरा मती दीवाने ने नाम दिया चढ़िया लोरा मत दीवाने ने नाम दिया चढ़िया लोरा बाने ने नाम दिया चढ़िया लोरा मस्त दीवाने ने नाम दिया चढ़िया लोरा जिन पट अंदर बाहर गोदड़ ते पले संसार तिन्ने हो लगा रब सेती देखने बिचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बा सचे ना जतन कीता गया है कोई परवाह नहीं रोटी दो दिन नहीं नसीब होई तीसरे दिन रोटी नसीब होई हाथ धोण लई कुए ते जांदा है नारद मुनि देख रहा है ये देख रहा है भी दो दिन दा भुक्का है तीसरे दिन रोटी नसीब होई तां कुत्ता ठाके लै गया देखदा है उहदे मुख ते कैसी मुख दी वस्ता है चेहरे दी वस्ता अपने चेहरे तो पता लग जांदा अज ही गल चल रही सी साडे शिव कुमार जी दे नाल भी आत्मा परमात्मा हैगा कहन लगे मैं क्या हैगा कहने पता किमें लगेगा बंदे नूं जदों गर्मी चढ़दी है क्रोध आउंदा है पता लग जांदा अखां लाल हो जांदियां ने उहदे चेहरे च फर्क पै जांदा है इवें अनुभव हो जांदा भी इहनूं क्रोध आ गया है जिहड़ा भज्जिया फिरदा है ते त्रिखा तृष्णा लग जांदी है भज्जिया फिरदा तां आपां कहिंदे ने भी ये तो बाब बकया पगला हो गया कमला हो गया हैं सौ सौ धक्के खाए तमाशा खूब पिया है धक्के खाने जब कट कट होंगे ना धक्के बड़े बजते हैं तमाशा देखने जाने तमाशबीन हैं तमाशबीन तमाशबीन बन जाते हैं तमाशबीन तमाशा देखने वाले होंगे कहीं तो तमाशा देखा जाता है खैर कथन किया गया है कि आ इंद्रियां बाबत विचार चल रहा था इंद्रियां बाबत जे इंद्रियां किया हन ते इंद्रियां जिभ्या सबासे कूपल मेले राम अंग विद्या उपजे जाय हिरदे से राम ये जवान पंज जिहड़े विशिआं ने ज्ञान इंद्रियां दे देखदे हाँ कन्नां नाल गल्लां सुणदे हाँ साडे ते प्रभाव पै गया अगर नहीं साडे ते प्रभाव पिया ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਮੈਤਰੀ ਮੁਦਤਾ ਮੈਤਰੀ ਕਰੁਣਾ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਮੁਦਤਾ ਮੈਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਆਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਝੋਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੋਤਾ ਵੀ ਖੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਪਕਸ਼ੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਮੈਤਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ
ये अवसर नहीं लग गई है ये रंग रूप से ही फर्क पै जाता है भी मेरे तो सुंदर हो गई ये इनू क्या कह के कहा जाता है मुद्दता कुछ नू के को गुण दिता होवे चंगा गुण दिता होवे चंगी पढ़ाई दिती होवे कोई अमीर होवे क्या खुश हो जाना चंगे गुण बारे इन्हें ईरखा करनी आप पढ़ दिया बांस बड़ाई बूढ़िया बांस की कथा आ रही गुरबाणी बिच जीव बांस वर्गा जीव का जीवन है बांस खाली का खाली होंदा बांस बिच एक दोष नहीं बहुत दोष आ उदे पूरियां नूं गठां हुंदियां उहनूं कोई फल नहीं लगता खैर कथन किया गया है कि देख के खुश हो जाना खुश हो जाना देख के खुश हो जाना कि गुणों नूं मैत्री मुद्दता क्या करुणा दया करनी हर जीव ते दया करनी सेवा करनी दया करनी दयालु बंदा ही समन कर सकता दयालु बंदा ही दान कर सकता दयालु दान कर सकता अपेक्षा मैंने बेत्यान कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटे हैं के पास जो करे सोई भन के तू क्यों प्यो उदास बेत्यान हो जाना ध्यान ही ना देना अजे बाहरले अज देखांगे बाहरले लोग जड़े ने अंग्रेज कोई किमें जाता है कोई किमें रहिंदा है उन्हें ध्यान ही नहीं उधर ध्यान नहीं होगा वो अपने आनंद दे ध्यान जा रहे हैं तो उन्होंने पास किन्ने ग्रंथ ने उन्होंने पास किन्नी कि विद्या है साढ़े तो अरबी है फारसी है उर्दू है तो गरीब दे गुरबाणी में किन्निया भाषावान हैं बेअंत भाषावान हैं गुरु ग्रंथ साहिब दे विच किन्निया भाषावान हैं टोकनी की कथा आ रही नहीं टोकनी टोक टो टोकनी दी टोकनी शब्द आउंदा ये आम पता नहीं हरियाणे दे विच इहनू टोकनी नूं कहिंदे ने बलटोही बटलोही भी कहिंदे ने अक्षय पात्र भी कहिंदे ने समराले खन्ने बन्नी भी इहनू टोकनी कहिंदे सन कि ऐसे शब्द ने जिहड़े जिन्हां दा दूजे परसों ही विचार होया ते पाठी पुराना कोई पाठी था अंग्रेज दी गुरबाणी अंदर पोएस बाबा पोएस है चालिया जाए पद पोएस है आगे पो आगे पोएस पाछे पोएस 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 होएस जिन पोएस का मर्म न जाने जन्म अकार्थ खोएस पोएस मैंने माया फारसी अरबी के ग्रंथ में पोएस मैंने माया कहते हैं पर संस्कृत और हिंदी के पीयूष पीयूष मैंने अमृत पोएस बाबा पीयूष है चलिया जाए पद ये प्यू पोएस है मैंने कोई जो शब्द ने जी भी रोज फर्क पै जाता उस समय के अनुसार फर्क पै जाता मैंने अमृत अमृत की गल की गई है कहिंदे अमृत आगे अमृत पिछे अमृत 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 हो ही रहे जिन अमृत का मरम ने जन्म कारत हो ही रहे तो वह जिन पता नहीं अमृत कहते कि गरीब का जी कथन करते अमृत की जबात कर दे अमृत जिन खाधा दिखाता देखे नहीं किसी कहते बात अमृत दियाँ कर दे तेरे जन्म अकारत हो ही रहे आओ प्रेम दिन धारना पड़े तेरा जन्म कार ते जावे बाणी तेनू बाजा मार दी जन्म कार ते जावे बाणी तेनू बाजा मार दी जिन पुरुष का मर्म न जाने जन्म अकारत खोएस है उन्हें अपना जावन जन्म किया अकारत ही चलिया गया एवें चलिया गया क्योंकि जीव प्रकृति की सीमा दे विच है ये पंज ज्ञान इंद्रियां जिहड़ियां हन ये प्रकृति दियां हन ये साढ़े ते प्रभाव पै पैंदा है जां पै रहा है जां किते पै चुका है जां पैंदा है गल्लां सुणन नूं जी करदा है गल्लां सुण ली जांदे हां
ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲੇਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੱਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀਟਾਣੂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਹੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਪ ਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੋਪ ਥਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਉਹ ਪਕੜਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਿਦ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਚਿਦ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਹੈਂ ਚਿਦ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਹਿਬੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਹਿਬੰਗ ਸਵੈਂ ਭੂ, ਉਹ ਸਵੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਵੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੀ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਿਬੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਸੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਿਬੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਸਵੈਂ ਭੂ ਮੈਨੇ ਸਵੰਮ ਭੂ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਵੰਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਮਚਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਬੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬੜੇ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਮਿਟ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਮਿਟ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗਹਿਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸ ਹੈ ਭਕਸ਼ਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਕਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵੋਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਪਾਰਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸਾਲ, ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ, ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਹੈਂ ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ। ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗੀ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਗੀ ਆਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆ, ਰਾਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹ ਰਾਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤਾ, 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਕਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਕਈ ਬੀਬੀ ਖਾਨੀ ਕੀ ਪਰਵੀਨਾ, ਪਰਦੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਰਸ ਪੀਨਾ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈਂ। ਚੱਟਾ ਚਨਾ ਸੇਠ, ਚਨਾ ਚੱਕਰਵਤੀ ਸੇਠਮ, ਕੋਠੇ ਸਦਾ ਸਪੂਨ ਲੇਟਮ, ਹੈਂ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ 'ਤੇ, ਹੈਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ
रागी इनू की आम कहने है, कोदरा भी कहने, कोदरा भी कहने, होर भी कई नाम गरीब गुरबाणी में कोदों भी कहते हैं, कोदों का पस खाए। मेरे ख्याल गरीब गुरबाणी पाठ च आ रहा है राग काफ़ी दे कोदों का भुख खाए, डंगर जड़ा कोदों के जड़े क्या है जड़ा पट्ठे वो डंगर खाते ने कोदों, कोदों भी कहते हैं। मेरा ख्याल कंगनी भी कहते हो गए, शायद कंगनी तो माल कंगनी कहते, कई नाम ये आ रहे हैं, कथन किया गया है। ये स्वाद जड़ा है साढ़े पंजा ज्ञान इंद्रिया स्वाद प्रकृति के दायरे के बच्चा, प्रकृति के दायरे में जीव रह रहा है। ये प्रकृति के ज्यादा दायरे थले रहो जां उपर चले जावो, ये पंज ज्ञान या अनज्ञान इंद्रिय पंज विषय ने ज्यों ज्यों बाहरली यात्रा करी जावेंगे त्यों त्यों विकृति बिगाड़ आउंदा जाएगा, त्यों त्यों साढ़े अंदर विकार आउंदे जाणगे ते शरीर नूं बीमारियां लगणगियां। ते ये खुराक किवें बोलना है, कित्थे बोलना है, कैसा बोलना है, ये क्या है? आपने सुनिया समाधान दे अर्थ, समाधान सम्यक अधान मैंने योग अस्थान ते समाधान दा स्थापित करना, जिवें जगह ते इट वाली जगह इट लाउणी है, जिवें गड्डी दे पुरजे जगह जगह गड्डी दे पुरजे फिट कर देने हन, जिवें इंजन दे पुरजे हन, भूरा भी इंजन दा पुरजा अलग इधर उधर फिट हो जावे तो इंजन चलदा ही नहीं। इस तरह ये इंजन है, साडा जीवन इंजन दी न्याई है, इसनू कित्थे कि योग जगह ते फिट करना है, मन नू कित्थे रखना है, कित्थे बोलना है, कित्थे नहीं बोलना है, इहदा विचार करना है। समझ विचारे बोलना, समझ विचारे चाल, यह समझ विचारे इस दे नाल बोलना जरूरी है। देखो मैं दास कई बारी ये प्रमाण दिंदा है, कोई दो मित्र सन, दो मित्रां दी बड़ी मित्रता सी, जिवें संधरौली ते नज़दीक खेड़ी पिंड है आ खेड़ी है, जिवें कैलपुर ते बड़ै च बस गब्बे सड़की है, यानी समझ लो कैलपुर बड़ैचे उंज नौ दो हन इकट्ठे ही हन। दो मित्र सन कोई अचनचेत, ते जिहड़ा मित्र है मित्र दा जो बेटा है, मित्र दे मित्र दा बेटा है, उहदी मृत्यु हो गई, नौजवान दी मृत्यु हो गई, इकलौता बच्चा था, ते उधर मित्र ने उसनू भी किते जरूरी जाना पै गया, किते किसी होर जगह मृत्यु हो गई होवेगी, ते ओ विचार करदा वी की कीता जावे। अपने बेटे नू बुलाउंदा है, कहिंदा पुत्तर फलाना सो मेरा मित्र है, उसदे बेटे दी मृत्यु हो गई, ते उहनां दे घर ते तैनू जाना पवेगा, ते मैं फलानी जगह जरूरी जाना है, तैनू उधर जाना पवे तो तैनू जाना पैना है। कहन लगे पिता जी मैं तां कदे किसे दे घरे गया नहीं गा। कहन लगे जाना नहीं फिर जाना चाहीदा, जे नहीं गया जाना चाहीदा। कहन लगे मैं कहूँगा कि, वो कहन लगे कहना की है, तू इंज करना जिवें लोग कहणगे उवें तू तू उवें तू बोल दी बोल देना, उस तरह तू बोल देना। कहन लगे सत बचन। मित्र चलिया गया अपने जिथे जाना था, तो उहदा पिता ते वह भी चल पिया, घर का पता नहीं सी उसनू, ते सल सुभा दा सी, ते रास्ते विच पंज क बंदे खड़े सन, पंज सत। उसने विचार किया भी इन्हां तों घर पुछ लैने हां भी फलाने का घर कित्थे है। वह गल्लां कर रहे सन, कहिंदे भी चंगा हो गया यार मर गया, ਇਹ ਭੈੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਥਾ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਥਾ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਥਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦਾ ਥਾ, ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ ਥਾ, ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਥਾ, ਇਰਖਾਲੂ ਬੰਦਾ ਥਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਥਾ, ਹੈਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਥਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਉਂ 30-40 ਬੰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਤਾ,
हैं चैन की नींद नहीं सौन दिंदा था, दोषी था, अपराधी था, निंदक था, ते पापी बंदा था, भैड़ा बंदा था, नीच बंदा था, ते सारा कुछ ही बोल दिता, ते क्या अग दे ते होर तेल पा दिता, बड़ा दुख होया। ते कुछ दिन बाद फिर अपने मित्र नूं मिलिया, उस लड़का वो जिहड़ा लड़का गया तां उहदे पिता नूं मिलिया, कहन लगे बहुत माड़ी गल कीती तेरे पुत्र ने, आ गल कह भी बहुत भैड़ा बंदा था, बहुत नीच था, बड़ा पापी था, निंदक था, अपराधी था, दोषी था, हैं लोगों नूं बड़ा दुख दिंदा था, लोगों नूं लड़ा रहा था, नाना प्रकार दियां जो जो गल्लां उहदे कन्न 'च पईआं कह दित्तीआं। कहन लगे भी कोई गल, मैं माफ़ी मंगदा हाँ, मंगदा हाँ, ठीक है मैं उहनूं लै के आवांगा। पुत्तर नूं कहन लगे भी तूं इह की कीता, कहिंदे पिता जी मैं कहा तां मैं बोलांगा की, कहिंदे आप जी ने कहा तां जो लोग बोलणगे ओह वैसा ही तैसे ही तूं बोल देना, जैसा लोग बोलणगे वैसे ही तूं बोल देना। कहन लगे एक जगह खड़िया आ गल कह रहे सन, दूसरी जगह फिर खड़िया, तीसरी जगह भी यही गल कह रहे सन, मैं भी जाके बोल दिता। कहिंदे फिर हुण जाके माफ़ी मंग। कहिंदे पिता चलो माफ़ी मंग लेना। पिता जी लै गए, कहन लगे माफ़ी मंग। कहन लग्या भी चाचा जी जां ताया जी मेरे तो गलती ना कहा गया, गाहां वास्ते मैं कहिंदा नहीं, मैं कहना जल्दी थोड़े होर मर जाए, जल्दी जल्दी मर जाए, समझ विचारे बोलो संतो, समझ विचारे बोलो, समझ विचारे ही बोलना चाहीदा। कहन दा मतलब है प्रकृति दे दायरे चो निकलना है तां कथन कीता गया है, दृष्ट नज़र बदल गई, नज़ारे बदल गए। ते संतां भगतां दा जीवन पढ़ लो, पत्थरां च भगवान नूं प्रगट कर लिया, उन्हें दृष्टि विच होर था, उन्हें दी नज़र विच होर था, साडी दृष्टि विच होर है, नज़र बदल गई, नज़ारे बदल गए। सत्संग विच आउंदे हो साडी दृष्टि विच फर्क है, साडे भाव विच फर्क है, साडे क्या है, जितने प्रकृति दा दायरा है वो दायरे विचों असीं निकलदे जा रहे हैं कि प्रकृति दे दायरे विच ही हाँ। इहनूं निकलण लई क्या है, सत्संग है। सत्संग दा लाभ कोई विरला ही उठा सकदा है, जिसनूं ये लाभ प्राप्त होया, जिसने लाभ प्राप्त किया, जिस जिस ने भी ते कथन किया गया है, उहदी दृष्टि विच फर्क पिया, नज़र बदल गई, नज़ारे बदल गए, किश्ती बदल गई, किनारे बदल गए। अगर किश्ती बदल गई जिथे जिथे किश्ती होगी उत्थे किनारा बन जाएगा, अगर किश्ती नहीं किनारा नहीं बनेगा, किश्ती बदल गई किनारे बदल गए। इसी तरह राम कैसा है, राम जैसे को तैसा है, कथन किया गया है ये सरोवर है, गरीब संत सरोवर हंस है, भक्षण करे विचार पोप बासना ज्यों रहे, गरीब कथन कर देने गरीब दास मारे संत सरोवर हंस है, भक्षण करे विचार की विचार करना है, चंगी ही जिमें खुराक खाते हाँ इतों भी चंगी ही खुराक, चंगे ही विचार ग्रहण करने, कैसा जीवन होना चाहिए, पोह वासना ज्यों रहे राई रिंच ना पाग, ऐसा जीवन होना चाहिए है जिमें एक फुल दे विच वासना होंगी, फुल तो रहत जिहड़ा वासना तो रहत जिहड़ा फुल है उहदा उतना ही भार होगा, तो बाश ना होवे तां भी उतने भार होगा। ऐसा जीवन होना चाहीदा जिवें पोह फुल्लां दे विच वासना होंदी, ऐसा साडा जीवन होना चाहीदा भी किसी नूं कष्ट नहीं देना चाहीदा। व्यष्टी अपने घर दे विच असीं बच्चियां नूं देखदे आं, असीं अपनी दुखी हुंदे आं, दुखी क्यों हुंदे आ, ममता अहंता, ममता क्या है, ममता एक माँ है एक प्यो है, मैं अते मेरा ही माया है, ये मेरा ही घर है, दूसरे के घर नूं असीं उजाड़न लई तैयार हो जाते हाँ। सो समष्टी साडी जिहड़ी दृष्टि है, साडी दृष्टि है सारी जगह दृष्टि क्या है, दूसरे नूं भी दुख ना देवो, जे सानूं दूसरे नूं दुख दिंदे हाँ सानूं दुख हुंदा है तां कितना असीं बलाप करदे हाँ, कितना सानूं क्या कितना की कुछ नहीं करते, कोई दुख भी दिंदा तां भी बुरा भला बोलदे हाँ। इस करके कथन किया गया कोई माड़ा भी है, ये चार जिहड़े सरोवर दे चार किनारे हन, सरोवर दे सत्संग है सरोवर है, ये चार किनारे हन,
ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿ ਦਇਆ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕਰੁਣਾ ਦਇਆ ਦਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਬੇ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਿਰਤਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਚਮੜੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਦਾਸ ਕਿਮਨ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਤਨਾ ਥਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਥਾ ਯੋਗ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇਰਨਾ ਅਨਾਜ ਅੰਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਨਾਜ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਥਾ ਯੋਗ ਜਿਤਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਤਨਾ ਪਵਾਵੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਾਈ, ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਓਏ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀ, ਆਹ
सत साहिब आओ प्रेम दे नाल भाई गुरु स्तोत्र पढ़िए। धन है धन है गुरु रामानंद जी धन है। तन है तन है तन है गुरु कबीर साहेब जी तन है। तन है तन है तन है गुरु गरीब दास साहेब तन है। तन है तन है गुरु पूरी बन साहेब तन है। तन है तन है तन है गुरु पूरी बन साहेब जी तन है। तन है तन है गुरु लाल दास तन है। तन है तन है तन है गुरु लाल दास साहेब तन है। तन है तन है तन है गुरु गंगानंद साहेब जी तन है। तन है तन है तन है तेरी अमृत वाणी तन है। तन है तन है तन है अमृत वाणी तन है। तन है तन है तन है तेरी साल संग तन है। तन है तन है तन है तेरी साल संग तन है। गरीब संतवादी सब संत है अपने अपने आज की अरदास सब संतन करना। गरीब सतवादी सब संत हैं अपने अपने धाम आज की सब संतन प्रणाम। गैबी ख्याल विशाल सतगुर अजलग गंबर तीर भक्त हित काया तर आए अवगत सात कबीर नानक दादु अगमादु तीज हज के वट सही सुख सागर के हंस आए भक्त हरम पर। अचल अभंगी है सत संगी अवगत का दीदार है तन सत गोर उपदेश देवा चौरासी प्रभ मेटहि तेज कुंज तन दे धर कर
इस विद हम क्यों भेटाई सावध निवास आकाश वाणी जो सत गुर का रूप है चंद सूरज नहीं पवन पानी जहाँ छाया धूप है रहता रमता राम साहेब अवगत अल अलेख है कुले पंत विटंबवाजी कुल का खावन को है रूम रूम में जाप जपल अष्ट कमल दल मेल स्वर्त नृत कमल पाठव दीपक बन तेल हरदम खो जानो जहाज त्रिवेणी के तीर दास गरीब कभी सतगुर बंदी छोड़ कबीर हरदम खो जानो जहाज त्रिवेणी के तीर दास गरीब तबीर सतगुर बंदी छोड़ कबीर सात साहेब सात साहेब बोलो सतगुरु देव की बंदी छोड़ महाराज की धन धन सतगुर भूरी वाले महाराज की धन धन सतगुर लाल दास महाराज की धन धन सतगुर गंगानंद महाराज की श्री गुरुदेव महाराज की सर्व संतों की सर्व भक्तों की आपो अपने गुरुदेव महाराज की सात साहेब सात साहेब गरीब चरण कमल की माज को कहो कैसे अनमाना कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवाना तन तन जगत गुरु बाबा गरीब दास महाराज जियो लोहे चुंबक प्रीत परानी जो साहेब तन मन में जानी लोहे चुंबक प्रीत परानी जो साहिब तन मन में जानी लोहा प्राण और चुंबक साई है न्यारा पर दरसे ते चुंबक लखिया ना जाई
मजन करे सिकल सहनाना जाके चुंबक मिले पराना पद्म रूप चुंबक कांगा अनंत कोट तरवणी गंगा साखी गरीब लोहे चुंबक प्रीत है चारों जुग के माए जो साहेब घट घट बसे जो वृक्ष मद साए गरीब लोहे चुंबक प्रीत है चारों जुग के माए जो साहेब कट कट बसे ज्यों वृक्ष मद साहे धन धन जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी की गुरबाणी दे खंड प्रवाह चल रहे सन। सो कल मद दे भोग उपरंत धन धन गुरु महाराज जी ने आप संगतां नूं अपने प्रवचना द्वारा निहाल किया। संत बाबा अमरीक सिंह पंज भैणियां वालिया ने भी मनोहर कीर्तन द्वारा साझा किया आप संगतां नूं। सो अज तीन रोजे समागम की भाई समाप्ति हो चुकी है। महाराज जी के प्रेमी स्वर्गवासी सरदार प्रेम सिंह जी सरपंच उन्होंने परिवार वालों भी कुटिया साहब विखे सहज पाठ करवाए सन। सो बहुत ही निम्रता भाव वाले आरजी भाव वाले सन सरदार प्रेम सिंह जी। हरेक जगह जिम्मेवारी बहुत ही बाखूबी दे नाल निभाउंदे सन। जो परिवार नूं तां घाटा पिया ही है, सो कुटिया साहब नूं भी बहुत वड्डा घाटा पिया है। गुरु महाराज जी धन धन सतगुर भूरी वाले महाराज जी सरदार प्रेम सिंह नूं अपने चरणों के निवास देन अते परिवार नूं बल बुद्धि कम काज दे विच भूरी वाले महाराज जी वाधा करन। सो आओ सब तो पहला सेवादारां नूं बेनती है कि जल्दी तो जल्दी देग प्रसाद वरताउण दी भाई कृपालता करन। अते नाल ही नगर निवासी संगत वल्लों लाका निवासी संगत वल्लों महाराज जी नूं सरोपाव दिता जाएगा। अते स्वर्गवासी प्रेम सिंह दे परिवार वल्लों भी महाराज जी नूं सन्मान सो पहला कुटिया दे प्रबंधकां वल्लों सेवादारां वल्लों महाराज जी दा सन्मान। बोलो संगत जी सात साहेब। सारे भाई जो जकारा है शब्द दा ओ उच्ची दिने बोलिया करो। दुबारे फिर बोलो बोलो संगत जी सात साहेब। सो हुण स्वर्गवासी सरदार प्रवेर प्रेम सिंह दे परिवार वल्लों सरोपाओ महाराज जी नूं सन्मान किया जाएगा। बोलो संगत जी सात साहेब। सरदार मकंद सिंह जी पटियाला वह भी महाराज जी का सन्मान करनगे। बोलो संगत जी सात साहेब। हुण सरबत संगत वल्लों लाका निवासी संगत वल्लों महाराज जी का सन्मान किया जा रहा है।
स्वामी हीरा दास जी उन्होंने भी गुरु महाराज जी वालों सरूपाओ बख्शिश किया जाएगा अते नाल ही स्वामी बलदेव दास जी नूं सात साहे सो जिन्नी भी संगत बैठी है संगत नूं बेनती है कि भाई गुरु का लंगर भी तैयार है। आप सारी संगत ने बड़ी श्रद्धा ते प्रेम दे नाल पंगतां लगा के गुरु का लंगर छकण दी कृपालता करनी। आम आदमी पार्टी दे अते नाल ही गुरु महाराज जी के आने वाले प्रोग्राम आप संगत नूं भाई सरवण कराए जाएंगे। 4-5-6 जनवरी नूं सालाना चादर दिवस धाम तलवंडी खुरद विखे आप सरबत संगत नूं बेनती है कि वध चढ़ के भाई पहुँचने की कृपालता करनी, अपने जीवन नूं सफला करना। ते नाल ही चादर दिवस समागम नूं मुख रखदे आं। धन धन जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी की खंड पाठां दी लड़ी गुरबाणी दे खंड प्रवाह चलणगे। जिन्हां ने भी खंड पाठ की सेवा परिवार वाले ने लैनी है वह अपने नाम नोट करवा सकता है। ते आने वाली संगरांद 15 तरीक नूं दुख भंजन स्थान विखे कानेवाल विखे मनाई जाएगी। 15 तरीक नूं